आप भोजन करते हैं उस थाली को, उस भोजन को सही से देखिए और समझिए, जो आप फ्यूचर को देख करके प्रेजेंट को सुधार सकते हैं। कर्मों का थर्मोमीटर। जी हाँ दोस्तों, आज जो टॉपिक लेके आया हूँ, बहुत दिनों के बाद रिसर्च, बहुत दिनों के बाद, और कुछ समय का अभाव था, काफी वीडियो बनाने में लंबा समय लग गया। जी हाँ दोस्तों, आज का जो टॉपिक है कर्मों का थर्मोमीटर। जी हाँ दोस्तों, जिस तरह से एक लोग अपने शरीर का बुखार यानी ताप चेक करता है, उसी तरह से कोई भी लोग चाहे तो अपने कर्म को चेक कर सकता है। और आप लोग जानते भी हैं कि कर्म खराब किस तरह से होता है और कहां कहां होता है, लेकिन थोड़ा सा डिटेल्स में आपको बता दूं। जैसे कोई प्रतिनिधि है, कोई नेता है, तो कुछ सरकारी कर्मचारी के साथ मिल करके कुछ स्कूल बनना हुआ, रोड बनना हुआ, ब्रिज बनना हुआ, पुल बनना हुआ, तो उस स्थिति में कि कुछ ऐसा लोग होते हैं, मैं सभी लोगों की बात नहीं करता हूँ, कुछ ऐसे लोग होते हैं जिसमें कटौती करके, कमीशनिंग करके अपने घर पे ईंट, सरिया, सीमेंट ये सब गिरवाते हैं और उसका घर बना करके रहते हैं। उससे अच्छा है कि आप गरीब गरीब रहते हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना मिल जाता, लेकिन कर्म तो कम से कम लोगों का अच्छा रहता। जी हाँ दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कुछ ऐसे डॉक्टर हैं जिसके पास कुछ मेडिकल वाले होते हैं, कुछ हॉस्पिटल खोले हुए होते हैं, तो गलत तरीके से इलाज करके, गलत तरीके से जो लैब वाले होते हैं उनसे कमीशन खा करके जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। वैसा बहुत सारे ऐसे लोग हैं आज की डेट में, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत सभ्य भी है इस लाइन में। उसके बाद आपने देखा होगा कुछ ऐसे सरकारी पोस्ट पे बैठे हुए हैं, जैसे कुछ दरोगा है, मैं सभी दरोगा की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ पुलिस वाले हैं, मैं सभी पुलिस वाले की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ यहाँ तक के भी कुछ ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपने पोजीशन का दुरुपयोग करके मतलब कि इनकम करते हैं। ऐसा मार्केट में बहुत सारा ऐसा आज के समय में चल रहा है। लेकिन यह वीडियो वैसे लोग अगर देख रहे हैं तो मैं उनसे अपील करना चाहता हूँ, या फिर अगर आप नया उम्र है, कुछ यंगेस्ट है, तो गलत संगत में, गलत तरीका में ना जाए, तो इसके लिए मैं यह वीडियो बनाना उचित समझा और यह वीडियो आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। जैसे जब आप भोजन करते हैं उस थाली को, उस भोजन को सही से देखिए और समझिए कि उसमें किसी का हिस्सेदारी का भोजन तो नहीं है, क्योंकि अपना खून पसीना का कमा करके नमक रोटी खाना ही जिंदगी में आगे तरक्की की ओर ले जाता है। जी हाँ दोस्तों, गलत रास्ते से, गलत संगत में, गलत तरीके से पैसा कमाया हुआ किसी काम का नहीं है। एक न एक दिन हर इंसान को मौत के रास्ते जाना ही है, मरना ही है, तो फिर गलत तरीके से कमाना क्यों जरूरी है, गलत संगत में रहना क्यों जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, उससे अच्छा है कि आप नमक रोटी, सब्जी रोटी खा करके जो दिन गुजारा कर सकते हैं, और अच्छी मेहनत करके आप सही रास्ते पर सही तरीका से, बहुत लोग बढ़े हैं उनका आप आइडियल आदर्श मान करके आगे बढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आप दूसरा जो मापदंड है जो चेक कर सकते हैं, जैसे अपने बच्चों को देख करके, जैसे आप अपने गलत रास्ते पे आप सोचेंगे कि मतलब सोच कर समझ करके फ्यूचर को देख करके, जैसे मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आप अभी अपने रास्ते में कदम में गलत बैठा देंगे, गलत संगत में आ जाएंगे, तो आगे चल के आपको शादी ब्याह होगा, जो यंगेस्ट है उनके आपके भी बच्चे होंगे, तो आपको देख करके उस तरह से गलत कदम उठा लेंगे। तो यहाँ भी एक मापदंड है जो आप फ्यूचर को देख करके प्रेजेंट को सुधार सकते हैं, और पास्ट को भी देख करके, जैसे मान लें कभी कभी पास्ट को भी देख करके, जैसे कभी कभी कोई ऐसे फैमिली वाले हैं जिनके पास्ट में उनके ही लोग, जैसे पापा हो गए, भाई हो गए, उस तरह के जो गलत काम करके आगे बढ़ते हैं, हालांकि बढ़ते तो है नहीं, एक ना एक दिन उनको पीछे ही मतलब कि जाना है, तो उस स्थिति में पास्ट को भी देख करके प्रेजेंट को सुधारा जा सकता है और अपने कर्मों को सही किया जा सकता है। और इस तीन तरीका जो है मैं आपको बताया कि फ्यूचर देख करके, पास्ट देख करके और अपना भोजन देख करके, आप अपने कर्मों को मापदंड लोग चाहे तो चेक कर सकता है, देख सकता है और जिंदगी में सही कर्म करके आगे बढ़ सकता है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।